कोई जूस पिलाया तो चक्कर से आने लगा, बेहोश हो गए। वहाँ ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। फिर हमने फैमिली को बताया तो उन लोगों ने मुकदमा लिखाया थाना रायपुरवा में। रेप जैसी गंभीर धारा पे सुप्रीम कोर्ट से लेके हर सरकारें ये दावा करती हैं कि पुलिस पे निर्देश देती हैं कि इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। होती भी है, बड़े बड़े रेपिस्ट घर जाते हैं। यूपी में तो कई रेपिस्टों के घर पे बुलडोजर तक चल गया है, लेकिन कानपुर में कुछ थानों में ये प्रक्रिया दम तोड़ती नज़र आ रही है। मेरे पीछे एक लड़की खड़ी है, उम्र 23 साल है। इसका आरोप है कि इसके साथ इसके मालिक ने लखनऊ ले जाके इसे रेप किया। पुलिस ने कार्रवाई भी की, FIR लिखी, मेडिकल कराया, 164 बयान कराए, लेकिन 2 महीने बाद भी अभी इनका मालिक जिसने रेप किया वो पकड़ा नहीं गया। लड़की मेरे साथ है, हम पूछ लेते हैं क्या मामला है, कब हुआ था घटना, कहाँ ले गए थे, कैसे क्या हुआ। 20 नवंबर को लखनऊ ले गए थे काम के लिए। बोल रहे थे कि भाभी जाएंगी और एक वर्कर और है वो भी जाएगी। वहाँ पे अपने फ्लैट ले गए थे। कौन है ये? मनोज कुमार वर्मा, श्री ओम श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र के मालिक हैं। ले गए थे, फिर कोई जूस पिलाया तो चक्कर से आने लगा, बेहोश हो गए। वहाँ ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। फिर हमने फैमिली को बताया तो उन लोगों ने मुकदमा लिखवाया थाना रायपुरवा में। मुकदमा किन किन धाराओं में लिखा गया है? 376, 328, 504, 506, 406 मुकदमा लिखवाया। फिर उसके बाद 2 महीने हो गए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 164 कानूनी कार्रवाई, मेडिकल 164 बयान सब हो गए, मेडिकल भी हो गया, 164 का बयान भी हो गया। आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और 28 तारीख को नहीं तो आप थाने गई, जाती हैं दरोगा से कहती हैं? हाँ, थाने जाते हैं और SO साहब से कहते हैं, लेकिन वो हम ही लोगों से क्वेश्चन करते हैं। वहाँ कोई कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहे, ना ही उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। अभी 28 तारीख को फिर गए थे तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना उन्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम्हें जो करते बने तुम करो। बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उत्तर कानपुर में कमिश्नर लागू हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। कमिश्नर साहब के पास गए थे तो उन्होंने आदेश किया था। फिर एक दिन JCP सर के पास भी गए थे, उन्होंने भी आदेश किया था। तो उनकी उन्हें लगता है कि हम लोगों ने उनकी शिकायत की है, तो वो कह रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम्हें जो करते बने तुम कर लो। अब इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। CRPC की धारा भी कहती है किसी भी लड़की के साथ रेप होता है तो उसकी 2 कार्रवाई होती है, एक मेडिकल, एक 164 का बयान। इस पीड़िता के साथ 2 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। अब पुलिस को कौन सा अलाउद्दीन का चिराग चाहिए जिससे वो घिस करके निकाल सके कि हमें और कौन सा कानूनी रास्ता निकालना है जिस पे आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। हालांकि आज ये पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आई हैं, देखते हैं कमिश्नर साहब क्या आदेश करते हैं, क्योंकि 2 महीने तक अगर कोई रेपिस्ट फरार घूम रहा है, इनका ये भी आरोप है कि परिवार को लोग धमकी दे रहे हैं, तो पीड़िता के साथ कुछ भी हो सकता है, इसकी जवाबदेही किस पे होगी। रंजय सिंह, कानपुर तक।